हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस तरह का डिजाइन बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चलते हैं सीधा आर्ट कैम में। हमने ओपन कर लिया ऑलरेडी इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम किस तरह से सर्कल बनाएंगे, जो भी साइज आपको लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे 30 का हमें डायल लेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम इसको सेंटर में करेंगे और डबल टी प्रेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डबल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से कर्सर पे जाएंगे और यहाँ से हम कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देंगे, ऐसा अप्लाई कर देंगे तो हमारा एक कॉपी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेंटर में जा करके एक इस तरह से मान लीजिए इतना बड़ा हमको बनाना है। सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे, इसके बाद पे ये प्रेस करेंगे ऐसे, तो आर्क में चेंज हो जाएगा और हम एक अपने हिसाब से यहाँ पे हम आर्क ऐसे लेंगे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद में स्किप प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मिरर कमांड में और इसको राइट में क्लिक कर देंगे ऐसे, तो एक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे ट्रिम कमांड, ये हमारा ट्रिम कमांड, और यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे और इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से इसका वेब बनाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमें यहाँ से तो देख, हम यहाँ पर सेंटर लाइन बनाते हैं पहले वेब को बनाने के लिए। कंट्रोल प्रेस करके लेके जाएगा तो हमारा ये सीधा जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, एन प्रेस करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे ए प्रेस करेंगे, इधर भी ए प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सेंटर में बिल्कुल नहीं है, देखिए। तो हम इसको थोड़ा सेंटर में इस तरह से कर लेंगे, अब अच्छी तरह बनाएंगे तो सेंटर में आएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारा ऊपर है और ये नीचे है, तो इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद में एन प्रेस करेंगे, इसके बाद में बी प्रेस करेंगे ऐसे, तो हमारा दोनों इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम दोनों पकड़ के ऐसे नीचे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा वेव है, तो हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ओके। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले हम जाएंगे टूल शिफ्ट कमांड में, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट, और इसको दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे टूल शिफ्ट कमांड में और इसको सेलेक्ट करके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। यहाँ से हम टाइल वर्टिकल कर दे रहे हैं, ये आपको सामने दिखेगा, और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये बन के आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा बन गया। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जीरो कर देंगे, हमारा इस शेप में कटिंग हो जाएगा, ओके। करते हैं क्लोज। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, ठीक है। तो देखिए हम जाएंगे, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से जाएंगे रिलीफ शेप में, और हम मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे ही 14 नंबर से सेव कर ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो 14 नंबर से सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम करते हैं क्लियर इसको। अब यहाँ से हम जाते हैं रिलीफ को, ओपन करेंगे, सीधे 14 नंबर है, रिलीफ को ओपन किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉपी में जाएंगे, रोटेट कॉपी में जाएंगे, और हमको कितना चाहिए, 4 कॉपी बनाने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और हमारा रोटेशन एंगल कितना पे आएगा, यानी कि 90 डिग्री पे आएगा, तभी हमारा 4 कॉपी होगा, ठीक है। और यहाँ से रोटेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने सेंटर पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे सेंटर आपको नहीं पता है क्योंकि हमने जो पेज लिया था हमने
100 यूनिट के लिए था तो यहाँ से आप 50 भी डाल सकते हैं, यहाँ से 50 भी डाल सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से कर्सर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं पेस्ट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए हमारा इस तरह से पेस्ट हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए हमारा दूसरा लेयर पे है। अब इसको हम देखते हैं इसकी हाइट कितना है, तो हाइट देखने के लिए यहाँ जाएंगे और इसका हाइट देखिए 3 mm है। ठीक है, तो अब इसको 2 mm ही रखते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ठीक है, तो ये 2 mm का हाइट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, और एक दूसरा लेयर लेंगे, यहाँ से एक नए न्यू लेयर लेंगे। इस लेयर में यह है हमारा, देखिए ये आप हो गया। अब इस लेयर में हम क्या करेंगे, पहले इसी को क्या करते हैं, इसको भी हम एक रिलीफ बना लेते हैं, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 41 इसको नाम से सेव करते हैं, यहाँ सेव कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे लेयर में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से फिर दोबारा हम रिलीप को ओपन करेंगे, 41 वाला लेयर। ओके, अब क्या करना है हमको, देखिए हमारा सेम इस पे आ गया। रोटेट करना है, रोटेट कितना करना है हमको, 45 डिग्री रोटेट करके यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ से मूड में जाएंगे, यहाँ से मर्ज पे क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ऐसे ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ जो रिलीव ए सेट किया है, यहाँ पे हमारा मर्ज में होना चाहिए, एड में है ए सब्ट्रैक्ट ए मर्ज पे रहेगा तो हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्लोज करते हैं, देखिए मर्ज में अंदर चला गया। अब क्या करना है, इस वाले लेयर की हाइट हमको थोड़ा सा बढ़ाना है, 1 mm ज़्यादा करना है। यहाँ से हम जाएंगे और इसकी 3.3 है तो हम इसको कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसको और शिफ्ट प्रेस करके इसको। ठीक है, और हम लेंगे यहाँ से एक दूसरा लेयर लेंगे ऐसे, और इसको भी हम यहाँ से मर्ज में रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे मॉडल में सेविंटार में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में हम इसकी हाइट 4 mm तक दिया है, तो इसकी स्केल टू हाइट देखिए। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मॉडल में सेविटार में, यहाँ से हम देखते हैं 3 mm और इसके बाद में मर्ज हाइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे इसमें और इसको भी हम 3 mm देने के बाद में इसकी हाइट थोड़ा सा कम कर देंगे 30 पे, और यहाँ से मर्ज हाइट कर देंगे। देखिए ये इस तरह से हो गया। ठीक, अगर इसकी हाइट हमको ज़्यादा लग रही है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको बड़ा करते हैं, अगर इसकी हाइट हमको ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से इसकी हाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ 6 mm लग रही है तो आप यहाँ 4 mm कर सकते हैं ऐसे। ओके दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको कर लेंगे स्मूथ, तो स्मूथ यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए 3 mm कर रहे हैं और यहाँ से अप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा स्मूथ हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।